मैं दुबई में एक बहुत रईस मैडम के घर में ड्राइवर का काम करता था। मैडम की बेटी को कहीं भी जाना होता तो वह मेरे साथ ही जाती थी। मैंने आज तक मैडम की बेटी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि वह हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी और उनकी आंखों पर काला चश्मा भी रहता था। एक दिन में मैडम की बेटी को बाजार ले गया और वह मेरी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ था, वरना आज से पहले तो वो हमेशा पीछे की सीट पर बैठती थी। जब उसने चलती कार में मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा तो मैं हैरान रह गया। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। उसकी हरकतों से मुझे पसीना आने लगा था। आज वह मुझे अलग नजरों से देख रही थी। उसकी करतूतों से उसे नहीं बल्कि मुझे शर्म आ रही थी। मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी और जल्दी से घर पहुंच गया। मैं अपने कमरे में बैठकर उस लड़की की हरकतों के बारे में सोच रहा था, तभी मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने मुझे जो बताया उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गया। वो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम पर झूठा आरोप लगाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता था, लेकिन मेरी गरीबी और मैडम की धमकी से डरकर मैं उनकी बेटी से शादी करने को तैयार हो गया। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम चाहो तो 2-3 महीने बाद मेरी बेटी को तलाक दे देना। बस इसीलिए मैंने शादी कर ली, लेकिन शादी की रात उनकी बेटी ने मेरी हालत खराब कर दी। उस लड़की को देखते ही मेरे तो मुझे दुबई आए लगभग 1 महीना हो गया था, लेकिन मुझे अभी तक यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं विदेश जाऊंगा। मैं अपनी गरीबी से बहुत परेशान था, क्योंकि मेरे घर में 3 जवान बहनें बैठी हुई थी जिनकी शादी की उम्र हो चुकी थी, और उनकी शादी सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन जब मैं सड़क पर परेशान बैठा था, तब एक आदमी अपनी कार में वहां पहुंचा और मुझसे कहने लगा, भाई तुम परेशान लग रहे हो, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? मैंने उससे कहा कि अभी यहाँ से चले जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वह कहने लगा कि मैं तो तुम्हें नौकरी दिलवाने के लिए कह रहा था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने उससे कहा, ठीक है पूरी बात बताओ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वो आदमी गलत तो नहीं बोल रहा है। लेकिन वह आदमी कहने लगा कि चिंता मत करो, अगर तुम अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हो तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा, वहां तुम मेहनत करके अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो। विदेश जाने की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि एक बार इस आदमी की बात सुन लेनी चाहिए, क्या पता भगवान ने इसे मेरी मदद के लिए ही भेजा हो। लेकिन वह आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहता था, ये जानने के लिए मैंने उससे पूछा कि ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम मुझे जानते हो, फिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तब वह कहने लगा कि मैं गरीब व्यक्ति की इसी तरह मदद करता हूँ, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन उस आदमी ने मुझे जो बताया उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मुझे उस पर कुछ संदेह भी हो रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था।
कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी मूर्खता के कारण अपनी नौकरी खो दी थी। मैं उस आदमी के साथ गया तो वह मुझे एक बड़े बंगले में ले गया, मुझे एक बड़े कमरे में बिठाया और खुद चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि ये पैसे ले जाओ और बस अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिन बाद तुम्हें टिकट मिल जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा था कि भाग्य मुझ पर इतना मेहरबान हो सकता है। मैं उसी समय वहां से पैसे लेकर आ गया। अगले कुछ दिनों में ही पासपोर्ट बन गया और पासपोर्ट बनने के बाद जब मैं उस व्यक्ति के घर गया तो उसने मुझे फ्लाइट का टिकट दिया और एक मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि तुम्हारी कल फ्लाइट है, तुम वहां पहुंचकर इस नंबर पर संपर्क करोगे तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने परिवार को बताकर दुबई आ गया, लेकिन जब एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैं अपनी जेब से नंबर निकालने गया तो मुझे पता चला कि वो नंबर खो गया था। मेरे पैरों के नीचे से तो जमीन खिसक गई। अब क्या करूं? मैं वहां किसी को जानता भी नहीं था, न जाने वह कौन व्यक्ति था जिसने मुझ पर उपकार किया और मुझे यहां भेजा था। मेरे पास उसका कोई नंबर भी नहीं था। अब मैं यहां फंस गया था, बहुत परेशान था। सबसे पहले तो मैंने अपनी भूख मिटाने के लिए मेहनत करना शुरू किया। मुझे यहां आए 3 महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक मैंने अपने घर एक रुपया भी नहीं भेजा था। यहां मेरे लिए अपना पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। किसी तरह 2 वक्त की रोटी के जितना कमा लेता था। शायद भगवान मुझ पर मेहरबान थे या मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और मुझे नौकरी दी। यहाँ मुझे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। मालिक की एक रिश्तेदार अक्सर उसके घर आती थी और जब भी वो वहाँ आती तो मुझे घूर कर देखती रहती। मालिक ने मुझे उनके एक रिश्तेदार के घर भेज दिया और कहा कि आज से तुम वहाँ ड्राइवर की नौकरी करोगे। वो महिला मेरे प्रति बहुत दयालु थी, सैलरी भी बहुत अच्छी देती थी। उस महिला ने मुझे रहने के लिए एक बहुत अच्छा कमरा दिया था। यहाँ के बाकी नौकर झोपड़ी में रहते थे, सिर्फ मुझे ही अलग कमरा दिया गया था। इस महिला की एक जवान बेटी भी थी, वो जहाँ भी जाती मुझे अपने साथ ले जाती थी, लेकिन मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा था। वो अपना चेहरा ढक कर रखती थी और कुछ ही दिनों बाद मुझे उसकी बेटी की हरकतें कुछ अजीब लगने लगी थी। जब भी वो मेरे साथ कहीं जाती तो मेरे बगल वाली सीट पर बैठ जाती थी और किसी ना किसी बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। कभी कभी तो मेरा हाथ पकड़ लिया करती थी और मैं डर के मारे चुप रहता था, मैं उससे कुछ नहीं कह पाता था। एक दिन उस महिला ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और पूछने लगी कि तुम्हें अपनी बहन की शादी के लिए कितने पैसों की जरूरत है। मैंने कहा मुझे तो लाखों रुपए चाहिए, मेरी 3 जवान बहनें हैं और मुझे तीनों की शादी करनी है, उनका दहेज का सामान भी लेना है और आजकल का माहौल तो आप जानते ही हैं, कैसी कैसी होती है लड़कों की डिमांड। तो वह कहने लगी कि तुम मुझसे जितना भी पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम अपनी बहनों की शादी धूमधाम से कर सको, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। उसकी ये शर्त सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे उसकी बेटी पसंद भी नहीं थी और वैसे भी मैं अपने देश में ही शादी करना चाहता था क्योंकि मुझे वहाँ एक लड़की पसंद थी।
और मैंने शादी करने से मना कर दिया। तब उस महिला ने मुझे धमकी दी और कहा कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल भेज दूंगी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैं मजबूरी में शादी के लिए तैयार हो गया। इस महिला ने मेरे सामने नोटों के बंडल रख दिए और कहने लगी कि सच तो यह है कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करने लगी है। अगर तुम शादी के लिए मान जाओगे तो तुम्हें ढेर सारा धन और मान सम्मान मिलेगा। तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम्हें अपने पूरे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम शादी से पहले मेरी बेटी का चेहरा नहीं देख सकते। शादी के बाद ही उसका चेहरा देखना होगा। उनकी ऐसी शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इतने सारे पैसे देखकर मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं उनकी बेटी से शादी जरूर करूंगा, क्योंकि बदले में वह मेरी जिंदगी बदल देगी और मेरी बहनों की भी शादी हो जाएगी। मेरे पास अब शादी न करने का कोई कारण ही नहीं था। मुझे खूब पैसा और सुख शांति मिल रही थी। इतने पैसों के लिए अगर मुझे किसी अपंग लड़की से भी शादी करनी पड़ती तो मैं उससे भी शादी कर लेता। ये घाटे का सौदा नहीं था। उस महिला ने मुझे बहुत पैसे दिए और मैंने उन पैसों को अपने परिवार में भेज दिए ताकि मेरी बहनों की शादी हो सके। लेकिन मुझे आज तक दो बातें खटक रही थी। एक तो ये कि मैंने आज तक उस महिला की बेटी का चेहरा नहीं देखा था, और दूसरी बात कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे ही क्यों करना चाहती थी। इसकी कोई तो वजह थी जो वो मुझसे छिपा रही थी। यही सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। उस महिला ने मुझे बताया कि आपकी और मेरी बेटी की शादी एक सप्ताह बाद है, पर हैरानी की बात ये थी कि जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो तो घर में थी ही नहीं। शायद इस महिला ने उसे कहीं भेज दिया था ताकि मैं उसे देख ना सकूं। मैंने सोचा था कि हमारी शादी बहुत सादगी से होगी, लेकिन शादी की तैयारियां इतनी धूमधाम से हो रही थी कि मैं तो हैरान ही रह गया। सब कुछ इतना जबरदस्त था कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। सारी तैयारियां हो चुकी थी लेकिन उसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। मुझे संदेह था कि वह शादी के समय ही आएगी, और वैसा ही हुआ। शादी के दिन जब मैंने सुबह कमरे की खिड़की से देखा तो एक बड़ी कार आई और उसमें से एक लड़की उतरकर घर के अंदर चली गई, और उसने हमेशा की तरह अपना चेहरा ढका हुआ था। यह उस महिला की ही बेटी थी जो मेरी पत्नी बनने वाली थी। उसने अभी भी अपना चेहरा ढका हुआ था। ये देखकर मैं हैरान रह गया, और फिर मैंने सोचा कि जो भी हो शादी के बाद सारे राज खुल जाएंगे। अब मैं शादी का इंतजार कर रहा था। मैंने अपने घर में शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। मैंने सोचा कि पता नहीं ये शादी कितने दिनों तक चलेगी। मैं अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहता था। हमारी शादी हो गई। शादी के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में ले जाया गया। मैंने उत्सुकता से उसका चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाया, और जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए। उस महिला ने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगी, लेकिन ये लड़की जो मेरे सामने बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो थी जो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। और तभी अचानक मेरा अतीत मेरे सामने आ गया जब मैं भारत में था। मेरा नाम राहुल है। MBA करने के बाद नौकरी की तलाश में सड़कों पर घूम रहा था। हर युवा की तरह मेरा भी विदेश बसने का सपना था। मोबाइल में जब भी
विदेश में रहते लोगों की वीडियो देखता था, तब से मेरा भी एक सपना था कि काश मैं भी विदेश में रहने जा सकूं। हम चार भाई बहन थे, मैं सबसे बड़ा भाई था, मेरी छोटी तीन बहनें थी जिनकी शादी की जिम्मेदारी मेरी थी। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे नाजुक कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई थी, इसलिए मैंने पढ़ाई के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था। मैं सुबह कॉलेज जाता था और शाम को छोटा मोटा काम कर लेता था। इस तरह मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर एक अच्छी नौकरी की तलाश में लग गया। आज के समय में नौकरी पाना आसान नहीं था। MBA डिग्री होते हुए भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। काफी मेहनत और परेशानियों के बाद मुझे एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की नौकरी मिली। सैलरी भी बहुत अच्छी थी। सोचा था कोई अच्छी कंपनी में काम करूँगा, पर किस्मत में शायद ड्राइवर बनना ही लिखा था। किस्मत का लिखा मंजूर कर चुपचाप अपना काम करने लगा। सुबह 7 बजे अपने काम पर चला जाता था। मुझे साहब की बेटी को सुबह ऑफिस छोड़ने और शाम को लेने जाना होता था। बस मेरा यही काम होता था, बाकी का समय मैं फ्री रहता था। साहब की बेटी हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखती थी। मैंने घर के बाकी के नौकरों से सुना था कि वो बहुत ही सुंदर है, पर मैंने आज तक उनका चेहरा देखा नहीं था और ना मैं उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि मैं तो बस मेरा काम करने के लिए ही उनके साथ जाता था। मेरे दोस्तों ने कई बार मुझसे कहा कि मुझे मेरे बॉस की बेटी को पटाकर उससे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वह एक करोड़पति पिता की बेटी है। अगर वह तुम्हें पसंद कर लेगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी मौज मस्ती में कट जाएगी। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जिसकी सजा मेरे परिवार को मिले। मैं इकलौता कमाने वाला था मेरे घर में। मैंने सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दिया। एक दिन मैंने साहब की बेटी से एक दिन की छुट्टी मांगी। उन्होंने हाँ में सिर हिलाकर अनुमति दी, पर जब साहब को पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि अगली बार जब छुट्टी चाहिए तो मुझसे बात करना, मेरी बेटी से नहीं। मैं हैरान रह गया कि वो अपनी बेटी पर इतने नाराज क्यों हो रहे थे। तभी मुझे नौकरों से पता चला कि वो उनकी बेटी नहीं है बल्कि उनके भाई की बेटी है। उनका नाम नायरा है। साहब को नायरा मैम का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब तो मुझे भी यह जानने की चाह बढ़ गई थी कि आखिर ऐसा कौन सा काम करती थी नायरा मैम। अगले दिन मैं उन्हें फिर उनके ऑफिस छोड़ने गया। वैसे तो मैं उन्हें छोड़कर घर लौट आया करता था, पर इस बार मैं उनको छोड़कर वहीं खड़ा हुआ था और जिस ऑफिस में वो गईं, उसका बोर्ड पढ़कर मैं भी चौंक गया। वो एक ऐसा सेंटर था जो किन्नरों की देखभाल के लिए बनाया गया था। नायरा मैम सेंटर के अंदर गई और कुछ देर के बाद कुछ किन्नर बाहर आए। मैंने वहां खड़े एक आदमी को पूछा कि इस सेंटर का मालिक कौन है। तब उसने मुझे बताया कि नायरा मैडम। नायरा मैडम एक बहुत बड़े परिवार से है। वो बहुत अमीर और समझदार इंसान है। नायरा मैडम किन्नरों की बहुत परवाह करती है। वो बहुत अच्छी इंसान है। वैसे तो वो विदेश में ही रहती है, मगर कुछ महीने वो किन्नरों को पढ़ाने यहाँ आती है। ये सुनकर मेरी नजरों में उनका स्थान और भी ऊंचा हो गया था। उनके लिए मेरा मान अब प्यार में बदलता जा रहा था। ना चाहते हुए भी मैं उन्हें प्यार कर बैठा था। पहले तो मुझे उनके चुप रहने से कोई भी दिक्कत नहीं थी, पर अब मुझे उनका चुप रहना अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे मैंने उनसे बात करना शुरू कर दिया। वो दिल की साफ
और बहुत ही अच्छी थी। कुछ ही दिनों में वो भी मुझसे घुल मिल गई थी और अब तो रोज ही बातें होती थी। कार में बैठते ही वो अपने चेहरे से रुमाल हटा लिया करती थी और हम रास्ते भर बातें करते थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी मुझे पसंद करने लगी थी, पर अभी भी मैं उन्हें प्यार करता हूँ ये बताने की हिम्मत नहीं होती थी। डर लगा रहता था कि कहीं वो मुझे ना बोल देंगी तो। तभी हमारी मुलाकात की खबर नायरा मैडम के चाचा को लग गई। उन्होंने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया और कहा कि क्या तुम जानते हो नायरा की सच्चाई को? जब तुम्हें नायरा की हकीकत पता चलेगी तो तुम यहाँ से उल्टे पांव लौट जाओगे। उससे मिलना तो दूर की बात है, उसकी शकल भी देखना पसंद नहीं करोगे। मैंने उनसे कहा, नहीं, मैं उनसे ही शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगे और कहने लगे कि नायरा लड़की नहीं है, ना तो पुरुष है और ना ही महिला, वो तो तीसरी जाति की है, वो एक किन्नर है, तो तुम उससे शादी कैसे कर सकते हो? ये सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मैं सोचने लगा कि मुझे नायरा के किन्नरों के प्रति लगाव को समझ जाना चाहिए था, क्योंकि उसे देखकर तो पता ही नहीं चला कि उसकी सच्चाई क्या है। वो बिल्कुल आम लड़की जैसी ही दिखती थी और सुंदर तो इतनी कि मैंने कभी उस पर शक करने के बारे में सोचा भी नहीं था। पर हकीकत जानकर मैंने नायरा से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मैंने उससे कोई संपर्क नहीं रखा क्योंकि उसने अपनी सच्चाई छुपाकर मेरे साथ बहुत गलत किया था। अब मैं उसकी शकल भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैंने नौकरी भी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद मैंने कई जगह ठोकरें खाई। काफी कठिनाइयों के बाद किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई और मैं यहाँ दुबई आ गया। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही थी। शादी के लिए हाँ कहते वक्त मैंने एक बार भी मन में नायरा के बारे में नहीं सोचा था, और जो नहीं सोचा था वही हुआ। मेरे सामने मेरी दुल्हन बनी बैठी हुई कोई और नहीं बल्कि नायरा ही थी, और मैं अपना सिर पकड़ के बैठा हुआ था कि मेरी शादी एक किन्नर से हो गई थी। पर अब तो कोई चारा ही नहीं था क्योंकि मैंने मैडम से बहुत सारे रुपए लिए थे शादी के बदले में, जो मैंने अपने घर भेज दिए थे, और उन पैसों से ही मेरी बहनों की शादी की तैयारी चल रही थी। अगर मैंने मैडम से पैसे नहीं लिए होते तो मैं इसी वक्त भाग जाता। मेरी मजबूरी और मेरी लालच आज मुझे कहां से कहां ले आई कि मैंने एक किन्नर से शादी कर ली थी। मैंने गुस्से में आकर नायरा को कमरे से बाहर निकाल दिया। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सुबह होते ही उसकी माँ मेरे पास आई और बोली कि तुम मेरी बेटी के साथ इस तरह सुलूक नहीं कर सकते। तुम्हारी शादी हुई है मेरी बेटी से, तुम्हें उसे अपनाना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहोगे, और फिर सोच लो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। इतना कहकर उन्होंने मुझे शाम के फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े दिए और कहा शाम को समय पर तैयार होकर नीचे आ जाना। अब मैं अपने परिवार के लिए तैयार होकर नीचे पहुंचा। नायरा को देख कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। फंक्शन खत्म होते ही मैडम जो अब मेरी सास थी, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पूछा कि तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है, आपने कहा था कि मुझे आपकी बेटी यानी एक लड़की से शादी करनी होगी,
लेकिन आपने मेरी शादी एक किन्नर से करा दी। तब उन्होंने कहा कि आपको कोई गलत फहमी हो गई है, आप पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं। मैं इतने गुस्से में था कि उनकी कोई बात मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना है, बस मुझे यहाँ से जाने दो। ये सुनकर मेरी सास कुछ बोलती इससे पहले नायरा वहाँ आई और उसने कहा कि आप मुझे 2 महीने के बाद तलाक देकर जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि इन 2 महीनों तक आपको एक अच्छा पति होने का दिखावा करना होगा। मैंने भी मन में सोचा 2 महीने बाद इस किन्नर से छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए मैं 2 महीने के लिए ये दिखावा करने के लिए राजी हो गया। इन 2 महीनों तक मुझे रोज नायरा के साथ दावत में जाना पड़ता था। बहुत आश्चर्य हुआ ये सोचकर कि यहाँ कोई नहीं जानता था कि नायरा एक किन्नर है। इन 2 महीनों तक मुझे दिन में हर समय उसके साथ रहना पड़ता था और रात हम दोनों ही अलग कमरे में बिताते थे। ऐसा करते करते 2 महीने बीत गए। अब मैंने तलाक के कागजात तैयार कर लिए थे, तभी मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि आप अभी भी पूरी सच्चाई नहीं जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब सच्चाई का पता चले तब जिंदगी भर के लिए पछताना पड़े और आपके पास अपने किए पर पछतावे के अलावा और कुछ भी न रहे। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे रोकने के लिए ऐसी चाल चल रही है, इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे अपनी बेटी के साथ रखना चाहती है। पर मैंने तो अपने देश लौटने का फैसला कर लिया था और मैं तलाक के पेपर पर दस्तखत करके भारत लौट आया। मुझे यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, इसलिए मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और 3 साल की लगातार कड़ी मेहनत के बाद मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने में सफल हो गया। एक दिन मैं अपने दोस्त की कंपनी में बिजनेस मीटिंग के लिए गया था। मीटिंग में जाते वक्त जब मैंने नायरा को ऑफिस में देखा तो हैरान रह गया। उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि वो मेरे दोस्त की पत्नी थी। मैंने वहीं सबके सामने उसे कहा कि ये तूने क्या किया, तुझे पता भी है कि तेरी शादी किससे हुई है। तब मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले गया और कहा कि यहाँ कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। मेरी शादी एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की से हुई है। अब तू ये बात जान ले कि नायरा एक लड़की है, किन्नर नहीं। जब उसका जन्म हुआ था तब डॉक्टर ने उसके परिवार को बताया था कि वो किन्नर है, पर 15 साल की उम्र में उसकी एक सर्जरी हुई थी और तब से नायरा पूरी तरह से लड़की बन चुकी है। पर इस बात पर उसके माँ बाप के अलावा किसी ने भरोसा नहीं किया। लोगों की बातों से तंग आकर उसके माँ बाप ने उसे विदेश पढ़ने भेज दिया। किन्नर ना होने के बावजूद जो नायरा को सहना पड़ा उससे उसके मन में किन्नरों के लिए हमदर्दी जागी और उसने किन्नरों के लिए कुछ करने का सोच लिया जिससे उनकी जिंदगी में बदलाव ला सके। और फिर उसने किन्नरों को पढ़ाने के लिए एक सेंटर शुरू किया। तब तू उसकी जिंदगी में आया और वो तुझसे प्यार करने लगी। जब उसके चाचा की बातों पर विश्वास कर तूने उसको छोड़ दिया तब वो बहुत बीमार पड़ गई थी। तब उसकी माँ ने ही तुझे दुबई बुलवाया था क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहती थी और नायरा की खुशी तुझसे जुड़ी हुई थी। तब उन्होंने पैसों की लालच देकर तेरी शादी नायरा से करवाई। ये सोचकर
की शादी के बाद तेरी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी और तुझे पता चल जाएगा कि वो एक लड़की है किन्नर नहीं। पर तू तो पत्थर दिल निकला, तूने एक बार भी नायरा की बात नहीं सुनी और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। नायरा की माँ ने भी कई बार तुझे सच्चाई बताने की कोशिश की थी कि वो एक लड़की है किन्नर नहीं, पर तेरी आँखों पर ना जाने कैसी पट्टी बंधी हुई थी कि तुझे सत्य दिखाई नहीं दिया। तेरे जाने के बाद नायरा फिर से टूट चुकी थी, तब मैंने उसे संभाला और उसे फिर से जीना सिखाया। मैंने जब उससे अपने प्यार का इजहार किया तब उसने खुद ये सब मुझे बताया था ताकि शादी के बाद कोई भी गलतफहमी ना हो और मैं तेरी तरह उसे छोड़ ना दूं। और फिर हम शादी करके हमेशा के लिए भारत आ गए। मेरे दोस्त की बातें सुनकर मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो, मैं एक जिंदा लाश बन गया था। ये मैंने क्या कर दिया, अपने ही हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी थी। मेरा दोस्त जो एक अच्छी नौकरी के लिए तरसता था वो आज नायरा से शादी करके बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका था। किस्मत ने बार बार मुझे मौका दिया लेकिन मैंने उसे खो दिया और उसके साथ साथ मैंने नायरा को भी खो दिया। ऑफिस से बाहर निकलते मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैंने नायरा की बात सुन ली होती तो नायरा आज मेरी पत्नी होती। मैंने उसके साथ बुरा किया और किस्मत ने मेरे साथ बुरा कर हिसाब बराबर कर दिया, इसलिए भगवान ने उसे मुझसे दूर करके एक अच्छे जीवन साथी को दे दिया था। अब मेरे हाथ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। यही समझाने की कितनी बार कोशिश की थी नायरा की माँ ने, पर मैंने एक नहीं सुनी और आज उनकी कही बात सच हो गई। दोस्तों, किसी ने खूब लिखा है कि प्यार और विश्वास दो ऐसे पंछी हैं, इनमें से अगर एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। और मुझ जैसे इंसान को तो यही सजा मिलनी थी। जय श्री राम। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।